देखिएगा, लेवनीज थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? इससे पहले लिखा गया है थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ द लेवनीज थ्योरम। स्टेटमेंट स्टेट मैंने स्टेटमेंट लिखना है और प्रूफ भी करना है। तो इफ यू एंड वी वी टू फंक्शन ऑफ एक्स प्रोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर देन यू वी u इंटू वी एन वा डिफ्रेंशिएट करना है एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू डॉट 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 एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर डॉट 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 एन सी एन यू वी एन। राइट, तो इस तरह से मेरा एन वार डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन u इंटू वी रूप में रहेगा तब के लिए लेवनीज थ्योरम था। लेकिन सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दिख रहा है, अब इसका हम प्रूफ बताते हैं कि आया कैसे। इसको प्रूफ के साथ जरा देखिए थोड़ा ध्यान से। प्रूफ, लेट y इक्वल्स टू u इंटू वी, u इंटू वी इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। देखिएगा तो यहां पे डिफ्रेंशिएट y का y1 वन u इंटू वी, यू वी का डिफ्रेंशिएट v1 प्लस इसमें क्या है कि अभी भी आगे हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएट u डैश हो जाएगा। राइट, तो u इंटू वी का ये सामने दिख रहा है, ये फॉर्मा का सेट किया है। चलिए इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए भी u1 u1 भी प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा u भी वन। राइट, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू भी वन, ऐसा ही तो हो सकता है। एन तो एन के स्थान पर यहां वन होगा, एन के स्थान पर यहां वन होगा, ठीक है, एन के स्थान पर वन होगा वन सी वन यू भी वन। राइट, तो एक बार का फॉर्म, क्योंकि यहां पे एक चीज पता है कि 1c0 का वैल्यू 1 होता है और 1c1 का वैल्यू भी 1 होता है, यानी एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में मैंने सेट कर दिया है। राइट, अब इसका फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। देखिएगा एक बार और डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो हम इसको में लिखते हैं क्या, जरा देखिएगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहां पे y1 का क्या हुआ डिफरेंशिएट, y2 लिखाएगा, अब फिर इसमें क्या है u इंटू वी, तो एक बार और डिफरेंशिएट u1 का u2 लिखाएगा और v ऐसा ही रहेगा u इंटू वी प्लस और v का जो है ना और v में डिफरेंशिएट करेंगे और u1 ऐसा ही रह जाएगा तो v1। क्लियर है, u इंटू वी का ये फॉर्म प्लस फिर इसमें लगेगा क्या u इंटू वी में, तो u आगे हो जाएगा v2 आ जाएगा फिर u में डिफरेंशिएट v1 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी u इंटू वी इसका सेट किया, u इंटू वी इसका सेट किया जो सामने दिख रहा है। राइट, चलिए तो अब इसमें हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं u2 v प्लस ये वाला और ये वाला ऐड करते हैं तो 2 u1 v1 प्लस फिर यहां आ जाएगा क्या u v2। राइट, अब इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन फॉर्म में यहां पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा कैसे इस फॉर्म कैसे 2c0 u2 v प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2, क्योंकि इसका वैल्यू सोल्व करके 2 आ जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो ये फॉर्म आएगा, फिर इसका सोल्व करेंगे 2c2 u v2। राइट, इसका सोल्व करेंगे तो आना आएगा जो यहां पे सामने दिख रहा है। अब आइए जरा फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिएगा डिफरेंशिएट किया तो y थ्री हो जाएगा, तीन बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर इसमें इसमें हम टर्म सेट कर रहे, देखिए ये लाइन में तो u इन v में, देखिएगा u में डिफरेंशिएट किया u थ्री v प्लस, अब यहां पे क्या है कि v का फॉर्म आगे और u है और v में डिफरेंशिएट प्लस, फिर इसमें दोनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर u इंटू वी में u टू वी वन प्लस u वन वी टू राइट प्लस, फिर यहाँ u इंटू वी में u वी थ्री प्लस u डैश वी टू राइट। अब इसके बाद जरा देखते हैं इसका फॉर्म को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे u वी लिखा जाएगा u थ्री वी प्लस, अब देखिएगा ये वाला और ये दो से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू टू भी वन और एक और है तो थ्री यू टू भी वन प्लस, फिर देखिए ये भी होगा और इसके साथ ये हो जाएगा तो थ्री ये भी आ जाएगा थ्री यू यू वन भी टू प्लस, और फिर ये क्या होगा यू भी थ्री राइट। इसको हम कम्बिनेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इस फॉर्म को थ्री सी जीरो यू थ्री भी प्लस थ्री सी वन यू टू भी वन प्लस थ्री सी टू यू वन भी टू प्लस थ्री सी थ्री यू भी थ्री। अब अगर हम तीन बार डिफ्रेंशिएट किया तो इस तरह से दिखा, अगर हम फोर बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, देखिएगा वाई फोर बार करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्म को हम सेट कर दे रहे हैं कैसे, देखिएगा फोर सी जीरो यू फोर भी फोर सी वन यू थ्री भी वन फोर सी टू यू टू भी टू फोर सी थ्री यू वन और भी थ्री और फोर सी फोर U V4, यानी देखिए इसमें आसान तरीका क्या है समझने का कि ये जो फॉर्म दिख रहा है ये बनने का सबसे आसान इसका बेहतरीन तरीका है कि इस फॉर्म के लिए यहां से जीरो स्टार्ट के जीरो वन टू थ्री फोर तक गया और U4, U3, U2, U1, U और V1, V2, V3, V4, डॉट 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 इस तरह से N तक जाएगा। अगर हम N तक का डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, इसको डॉट डॉट मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए उसके बाद मिटाते हैं, नोट कर लीजिए पूरी तरीका से। चलिए डॉट डॉट ऐसा ही फाइव बार भी होगा सिक्स बार भी होगा डॉट डॉट डॉट, अगर हम n बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बस कुछ नहीं करना है n c 0 u n v प्लस n c 1 u n माइनस 1 v 1 प्लस n c 2 u n माइनस 2 v 2 डॉट 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 n c n u n माइनस एन भी एन, यानी इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रूप में। क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का हम एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को वाई को मैंने क्या माना था यू इंटू वी और कितना बार एन बार डिफ्रेंशिएट करना है तो आसान तरीका है एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू डॉट 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 ऐसा ही फंक्शन लास्ट में एन सी एन यू लास्ट जो है ना वी एन, यानी एन माइनस एन का फॉर्म मैंने सेट कर दिया है डेट यू लिख देते हैं। तो ये हो गया एन बार लेबनीज़ थ्योरम का प्रूफ जो सामने दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट रूप में। चलिए ये हो गया लेबनीज़ थ्योरम का प्रूफ जो सामने दिख रहा है। अब इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, इसको नोट कर लिया जाए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए।
ध्यानपूर्वक एन वाई डिफ्रेंशिएट करना है, वाई इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, फाइंड एन वाई डिफ्रेंशिएट। तो सबसे आसान तरीका इस लेबनिस थ्योरम का यूज करने के लिए, u बराबर मान लेते हैं e के पावर x और v बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर। अब n बार डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u1 लिखा जाएगा और e के पावर x का डीसी e के पावर x होता है और x का डीसी a होता है। वैसा ही दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर x का x और फिर x यानी a स्क्वायर हो जाएगा। वैसा ही तीन बार के लिए हो जाए कितना, a के पावर 3 e के पावर x डॉट 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 डॉट। वैसा ही अगर n बार किया जाएगा तो a के पावर n e के पावर x, इसको u मान करके। अब देखिए यहाँ पे भी मान लिया, इसका भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट किया x का क्या हुआ 2x और इसका दो बार डिफ्रेंशिएट 2 आ जाएगा और थ्री बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा और फोर बार तो आगे बढ़ने का ही डॉट डॉट डॉट, बाकी इधर सभी का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी थ्री बार से जो भी आगे बढ़ेगा सबका डिफरेंशिएट 0 आएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे लेबनिस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ है वाई एन बराबर, देखिए क्या लिखा हुआ है एन सी जीरो, देखिए फॉर्मूला को पहले हम लिख दे उसके बाद क्लियर करते हैं। एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री भी थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, वैसा ही एन सी एन यू भी एन, राइट। अब इसके बाद देखिए इस फॉर्मा को यूज करते हैं पूरी कहानी के साथ, पूरी परफेक्ट परफेक्टनेस के साथ, कैसे जरा देखिएगा। अब एन सी जीरो तो रहने देते हैं, u n का डिफ्रेंशिएट कितना आ गया a के पावर n और e के पावर x जो सामने दिख रहा है, और यहां पे देखिएगा v का भी तो मेरा यहां पे लिखा हुआ है x स्क्वायर है, राइट। फिर देखिएगा एन सी वन यू एन माइनस वन, यानी इसके पहले और अगर हम पूछें यू एन माइनस वन तो बस आसान तरीका है कि एक पावर माइनस वन यानी e के पावर x ऐसा ही रह जाएगा, यानी un को a के पावर n माइनस वन और e के पावर x और b1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस एन सी टू, तो ऐसा ही रह जाएगा एन सी टू यू एन माइनस टू का ऐसा ही a के पावर n माइनस टू और e के पावर x और v2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री के लिए क्या हुआ ए के पावर एन माइनस थ्री ई के पावर एक्स और भी थ्री का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, इधर सब जीरो आ जाएगा, यानी यहां से सभी फॉर्म क्या आ जाएगा जीरो, तो बचेगा सर यहां तक बचेगा, यानी एन सी जीरो का डिफरेंशिएशन का पार्ट आ जाएगा जो सामने दिख रहा है, इसका तो वैल्यू आ जाएगा वन और ए के पावर एन ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर। फिर एन सी वन को यहाँ पे आएगा एन और ए के पावर एन माइनस वन ई के पावर एक्स और यहाँ टू एक्स और एन सी टू का वैल्यू आ जाएगा, एन सी टू को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसा ही रह सकते हैं और ए के पावर एन माइनस टू और ई के पावर एक्स इंटू टू और इधर सब आ जाएगा जीरो, उधर कहानी खत्म, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक काम क्या कर सकते हैं कि e के पावर x सब में से कॉमन कर लेते हैं सभी टर्म में से, और a के पावर n भी प्रत्येक टर्म में है इसमें भी है तो कॉमन कर सकते हैं, तो a के पावर n और e के पावर x कॉमन कर लिया तो बचा हुआ टर्म क्या है x स्क्वायर, बचा हुआ टर्म है n बाई a और यहाँ पे 2x और फिर जो है और बचा हुआ पार्ट है देखिए क्या n इंटू एन माइनस वन और बाई ए के पावर टू बचा हुआ है इस तरह से, ये रहा मेरा n बार का डिफ्रेंसिएशन जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, देख लीजिए क्लियर है, और ये रहा कंप्लीट आंसर n बार का डिफ्रेंसिएशन, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताते हैं इस पे, चलिए जरा क्वेश्चन देखा जाए इस टाइप का क्वेश्चन,
और इस टाइप का नहीं क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और जो भी लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड है पूरी प्लेलिस्ट में इसका पूरी वीडियो एकदम पूरी कहानी के साथ क्लियर करेंगे। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी जैम नेट गेट इस तरह के अनेक कंपटीशन देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही वेस्ट है, या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी वेस्ट है। तो थोड़ा देखेंगे y equals to x square into cos x। देखिए सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, एक बार डिफरेंशिएट पढ़ चुके हैं, दो बार भी पढ़ चुके हैं, तीन बार भी, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं n बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो जरा देखिएगा यहां पे कैसे करना है। तो u बराबर मान लेते हैं cos x और v बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर का टर्म, राइट। चलिए देखिएगा इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन। इसी प्रकार से अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉसाइन का डीसी आ जाएगा कॉस। वैसा ही थ्री बार डिफरेंशिएट किया जाएगा डॉट 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 आगे का फॉर्म। तो अगर हम एन बार भी डिफरेंशिएट इसके बारे में बताया गया है, अगर हम देखिए एन वार डिफरेंशिएट का टर्म सेट करते हैं तो एन वार डिफरेंशिएट किया तो कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स। एन वार डिफरेंशिएट करने का तरीका पूरा क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम इससे पहले बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, इसके पहले बार का मतलब है कि यू एन माइनस वन यानी कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स। अगर यू एन माइनस टू बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, राइट। इसी प्रकार से अगर हम देखिएगा ये तो हम u का डिफरेंशिएट n बार तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर हम v का डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो x स्क्वायर का डीसी 2x आ जाएगा। वैसा ही वी टू का डिफरेंशिएट करते टू एक्स का डीसी का और टू, और थ्री बार डिफरेंशिएट करें जीरो आ जाएगा, यानी इधर सभी का पार्ट क्या आ जाएगा जीरो ही आ जाएगा, यानी वी एन बार भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन मेन इसका लेबनीज थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है वाई एन बराबर एन सी जीरो यू एन, यू एन का मेरा सामने दिख रहा है कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, और भी मेरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन जो सामने दिख रहा है कॉस एन माइनस वन पाई बाई टू प्लस एक्स, और भी वन का डीसी क्या है टू एक्स प्लस फिर क्या है एन सी टू कॉस भी थ्री वी यू एन माइनस टू, यू एन माइनस टू का क्या है कॉस एन माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा भी टू का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा टू। फिर आइए एन सी थ्री है लेकिन भी थ्री में क्या जाएगा इधर सभी का पार्ट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा डॉट 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 जीरो में आ जाएगा, राइट। तो उधर तो डिफ्रेंशिएट जो है बाकी तो जीरो ही आ जाएगा, कहानी खत्म। तो यहाँ पे रहा क्या एन सी जीरो मेरा वन आ जाएगा, बाकी जो बचा है कॉस एन पाई वाई यानी एक्स स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हैं एन पाई वाई टू प्लस एक्स, और ऐसा ही एन सी वन को हम एन लिख सकते हैं और आगे मेरा टू एक्स यानी लिख सकते हैं टू एक्स एन, और कॉस एन माइनस वन पाई वाई टू प्लस एक्स। वैसा ही एन सी टू को एन इंटू एन माइनस वन वाई टू, और हालांकि टू तो है ही ये वाला टू ये तो कैंसिल भी हो जाएगा तो बचेगा एन माइनस टू और ये पाई बाई टू प्लस एक्स, हालांकि इससे इसे कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से हम n बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेवनिस थ्योरम का यूज करते हुए, 2nx cos n माइनस 1 पाई y2 इंटू x और cos n माइनस 2 पाई y2 इंटू x, राइट। चलिए इस तरह से टर्म को सेट कर सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है बनाना है, और भी हम क्वेश्चन बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तत्काल के लिए इतना ही रखा जाए। पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन को बनाना है एच डब्ल्यू के रूप में है, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी सामने मैंने दे दिया है, बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट में भी बताइएगा ताकि इस पर हम वीडियो बना सकें, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका क्वेश्चन बताया जाएगा लेवनिस थ्योरम पर, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ, बहुत सा प्रैक्टिस के साथ, और ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्रयास कीजिएगा कि अगर बना लें तो बहुत बढ़िया है और क्लियर भी हो सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए लेवनिस थ्योरम का क्वेश्चन बनाते रहिए, समझते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है।